और जमीन के आगे सड़क है, सभी लोग सोचते हैं कि इसमें हमको अपना अधिकार मिले, अपना हक मिले। और देखें, मान लेते हैं ये अगर टुकड़ा है, ये जमीन का जो आप टुकड़ा देख रहे हैं या इसके बगल का जो टुकड़ा है, तो इसमें जितने भी भाई हैं सभी हिस्सेदार हैं। तो सभी हिस्से, जो भी हिस्सेदार हैं, वो हिस्सेदार का एक तरह से मन रहता है कि नहीं, यहाँ पर मुझे भी हक मिलना चाहिए, इस पर, इस जगह पर जो है ना, वो अधिकार समान होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर ले लिया, कोई ये पीछे साइड जो है इस तरह से ले लिया, लेकिन इसलिए कि आगे जो फ्रंट है, आगे जो सड़क है, वो सभी को मिलना चाहिए। देखें, अब क्या होता है कि जमीन का अगर मान लेते हैं कि ये इस तरह का जमीन है कोई, और उसका अगर कोई कागजात बना ले, अब कागजात बनाने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है, या तो अन्य व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति हो सकता है, दूसरा एक तरह से परिवार का लोग हो सकता है, परिवार का आप कह सकते हैं लोग है वो। तो अब कौन है करवाने वाला, कौन है कागजात बनवाने वाला, कौन है, और इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? जमीन का रसीद है, बहुत लोग ऐसा जो कागजात निकाल कर दिखा रहे हैं, उनके पास ये पुराना वाला जमीन का रसीद है। तो देखें, ये जमीन का रसीद, अब सारा जो डाटा है लगभग सभी राज्य में वो आपको ऑनलाइन दिखने को मिलेगा, और बहुत सारे राज्य में अभी भी आपको ये ऑफलाइन दिखने को मिलेगा। तो लेकिन जो कागजात की अगर बात करेंगे, तो इस कागजात का क्या मान्यता है, क्या इस कागजात के आधार पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है, क्या ये कागजात सिर्फ आप दिखा देंगे तो आप संपत्ति के मालिक कहलाएंगे, तो क्या इसका मान्यता खत्म हो चुका है, जमीन रसीद का जो मान्यता है वो क्या खत्म हो चुका है, जमीन रसीद का जो मान्यता है वो रद्द हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित ऐतिहासिक फैसले दिए। अब उस फैसले की बात करें, सामने में है यहां पर कि दाखिल खारिज जो है, दाखिल खारिज का मतलब मालिकाना हक नहीं, मतलब ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, मान लेते हैं ये जमीन का जो टुकड़ा है, इसका दाखिल खारिज कब होगा? इसका दाखिल खारिज तब होगा जब इसके कागजात होंगे। कागजात में कौन से कागजात होंगे? जब इसके कागजात, यानी इसके जमीन की रजिस्ट्री होगी, जब जब इस जमीन का कोई वसीयत तैयार होगा, जब इस जमीन का मान लेते हैं कोई किसी के पास खतियान होगा, उसी का जो है दाखिल खारिज होगा, यानी इसी दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज होता है, इसके अलावा जो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। हाँ ठीक है, अगर किसी का खतियान है तो उसके जो वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो उसके नाम से भी दाखिल खारिज होगा, इसलिए उसके पूर्वज के नाम से जमीन का खतियान है ही, तो दाखिल खारिज वो अपने नाम पर अब करवाना चाह रहा है। तो दाखिल खारिज करवा कर क्या करता है, यानी इस जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसका टैक्स दिया जाता है सरकार को, सरकार को पैसा जो है अब देंगे दाखिल खारिज कराने के बाद। तो बहुत लोग समझते हैं कि अब तो मेरा दाखिल खारिज हो रहा है, मेरा जमीन का रसीद कट रहा है, हम संपत्ति के मालिक हैं। तो यही कहना है सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट के द्वारा जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये जो जमीन है, इसका अगर आप क्या करा लेते हैं, दाखिल खारिज करा लेते हैं, दाखिल खारिज करा लेते हैं, लेकिन दाखिल खारिज तो आपका हो गया, लेकिन आपके पास तो ना खतियान है, ना आपके पास जमीन की रजिस्ट्री का कोई कागज है, और ना किसी प्रकार का कोई वसीयत है, तो अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं है, तो आपका इस दाखिल खारिज का जो है कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब जो है ना, इस दाखिल खारिज से अगर आप ये सोचते हैं कि आपको मालिकाना हक जो है वो प्राप्त हो जाएगा, मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो मालिकाना हक होने के लिए ये सभी जो कागजात हैं, इसका होना बेहद जरूरी है, यानी जमीन की रजिस्ट्री होना चाहिए, यानी आप कह सकते हैं आपके पास जो केवाला है, आपके पास बैनामा है, ठीक है, ये है आपके पास, यानी सेल डीड वही हुआ, या वसीयत है, खतियान है, जो भी है, ये सारे दस्तावेज के आधार पर आप दावा कर सकते हैं। और ये दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है, तो आपका दावा करना गलत होगा। ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि कोई भी संपत्ति का मालिक जो है, सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर नहीं बन सकता है। क्या ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सिर्फ दाखिल खारिज है? हम आपको बताते हैं आखिरकार हुआ क्या। इस मामले को अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन की जो है आज से लगभग 50 से जो है 60 वर्ष पहले की बात है, ठीक है, 50-60 वर्ष पहले की बात है।
इस जमीन को बेच दिया गया। अब बेच बेच दिया गया यानी पूर्वज के द्वारा यानी बेच दिया जो है गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले कि इसके कागजात जो है इस तरीके से बनाए गए कि इस पर इसको एक पंचनामा पर जो है बेचा गया, पंचनामा पर बेचा गया। बहुत सारे लोग थे ग्रामीण क्षेत्र के और उनका सिग्नेचर भी हुआ, और उसके बाद इस पंचनामा के आधार पर जो है जो व्यक्ति है वो क्या करा लिया, उस जमीन का जो है दाखिल खारिज करा लिया, दाखिल खारिज करा लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्या पंचनामा के आधार पर उस व्यक्ति का दाखिल खारिज हुआ क्यों, क्या ये गलत नहीं है? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये होता है, अभी भी हो जाएगा, लेकिन ये उस व्यक्ति के साथ होगा। इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कोई खरीद बिक्री होती है तो ये उस व्यक्ति के साथ जो है संभव है, अगर वो व्यक्ति आपके जमीन में हिस्सेदार है। आपने क्या किया, एक दस्तावेज बनाया और उस दस्तावेज पर आपने सपोर्ट कर दिया कि मेरी जमीन जो है अगर इसका म्यूटेशन ये करवाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कल को अगर ये हिस्सेदार ये दावा करे कि मैंने ये जमीन को खरीदा है, कल को ये अगर ये दावा करता है कि इस जमीन पर मेरा पूरा अधिकार है, तो ये कहना गलत होगा। ठीक है, आज उसके नाम से दाखिल खारिज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना साफ साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ साफ है कि अगर आपके पास दाखिल खारिज है तो सिर्फ ये अगर आप सोच रहे हैं कि दाखिल खारिज से हम संपत्ति के मालिक हो जाएंगे तो ये कतई संभव नहीं है। यानी उससे आप मालिकाना हक जो है ना वो साबित नहीं कर सकते। और साफ साफ ये देखें, ये भी कहा गया है कि आखिर इस तरह के जो मामले हैं वो उसका फैसला जो है यानी सिर्फ दीवानी अदालत कर सकता है ना, अदालत जो है वो कर सकता है। और इस तरह की जो खरीद बिक्री है, पहले बहुत एक तरह से तौर पर किया जाता था कि अब जो खरीदने वाला है वो तो हिस्सेदार है, अब हिस्सेदार को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, हिस्सेदार के हिस्से में वो जमीन जो है हिस्सेदार के कागज पर ये जमीन कागजात पर चढ़ गया, जो कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो अगर जो प्रोसेस है वो गलत है, जो हुआ वो एक तरह से ईमानदारी से हुआ, लेकिन जो प्रोसेस किया गया यानी जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया, तो आज 50 से 60 वर्ष बाद जो है इस जमीन के बीचों बीच एक रोड बना दिया गया। अब इस रोड बनने से इसकी कीमत जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, अगर ये प्लॉट पूरा अगर देखा जाए तो इसका एक वैल्यू जो है वो काफी बढ़ चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो अब यहां पर ये देख रहा है कि नहीं, इसके हिस्से में चला गया, मेरे पूर्वज बेचे नहीं थे, ये म्यूटेशन करवा लिया है, ये दाखिल खारिज करवा लिया है, एक हिस्सेदार पर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि हिस्सेदार एक खरीदार था लेकिन उसके पास सिर्फ कागजात नहीं है, पंचनामा है, पंचनामा पर बेचा है और उसी आधार पर दाखिल खारिज जो है वो किया गया। तो कल को आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि मैंने पंचनामा पर जमीन को खरीदा है, इसलिए कि खरीदने का जो एक तरह से खरीदने का जो पहले भी जो है जमीन की रजिस्ट्री होती थी, जमीन का बैनामा होता था, पहले भी आपके पास जो है अगर आप जमीन को जाके रजिस्टर कराते तभी उसका मान्यता होता था। तो खरीदने का जो प्रोसेस है, खरीदने का जो तरीका है वो इससे स्पष्ट ये होता है कि आपने सरकार को भी धोखा दिया। इसलिए कि अगर कोई पंचनामा पर खरीदता है तो सरकार को तो राजस्व गया नहीं, अगर सरकार को राजस्व नहीं गया तो इसका मतलब आपने सरकार के साथ धोखा किया है, यानी आपने धोखा सरकार को भी दिया, गवर्नमेंट को भी दिया, इसलिए कि आपने क्या किया, आपने ये किया कि जो आपका ये जमीन है, जो आपकी ये प्रॉपर्टी है, जो आपकी ये संपत्ति है उसको बेचा, और वो पंचनामा के आधार पर बेचा, और खरीदने वाले ने भी क्या किया कि इसलिए वो जो है उनको खरीदने वाले को ये खर्च ना उठाना पड़े इसलिए उन्होंने पंचनामा पर खरीद भी लिया। तो इसलिए अगर आज आपका दाखिल खारिज भी है, आपके पास म्यूटेशन में भी है,
तो भी जो आपके हिस्सेदार हैं वो ये दावा करेंगे कि इसमें मेरा हक होना चाहिए, इसमें मेरा अधिकार होना चाहिए, मामला कोर्ट में जाएगा तो ये कागज का कोई मान्यता नहीं रह जाएगा। हो सकता है कि आपको इसमें शेयर, इसमें हक आपको किसी भी हालत में देना पड़े। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।